सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पिछले दिनों नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक ने मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र का मुआयना कर बाजार क्षेत्र को सुसज्जित ढंग से सजाने का निर्देश अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिया था, जिसके आलोक में यातायात प्रभारी रुद्रानंद सरस व उनके टीमों के द्वारा पूरे बाजार क्षेत्र में व्हाइट लाइनिंग कराकर सभी दोचकिया वाहन व ठेले खोमचे वालों को सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। अभी अगर आप बाजार क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तो पाएंगे कि पिछले दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा जाम से लोगों को निजात मिली है। अब लोगों को बाजार आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही जाम की परेशानियों से उन्हें निपटना पड़ रहा है। इसे लेकर जिले के व्यवसायियों ने नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा को बधाई दी है, उनके कार्यों की सराहना की है। पहल ट्रैफिक के इंजेंसी के लिए बहुत सुंदर उनका पहल उनका आते थे, सबसे पहले बाजार को मुक्त जाम से दिलाने का जो सबसे पहल उनका पहला कदम रहा, उनका सराहनीय कार्य रहा। जो आते आते अपना पहले देखे पूरे के शहर का जाम का निजात कैसे दियाना है, उनका यह रंग रूप भी देखने से पूरा उथी हो रहा शहर में कि जाम से निजात मिलने का पूरा उम्मीद है पूरे पब्लिक को। सबसे पहले प्रतिमा उन्हीं का है, क्या बोलते हैं इसकी पहल पर उनके लिए क्या बोलते हैं उनके इस पहल पर? इस पहल पर उनका अच्छा सराहनीय कार्य चल रहा है, जो आगे उनका कार्रवाई भी रहे तो निजात मिल सकती है पूरे शहर को जाम से ही सबसे ज़्यादा मुक्ति में बहुत है कि जो आम पब्लिक जो जानता है दुकानदार उससे त्रस्त है बहुत जाम से। उनका सबसे पहला पहल रंग ला रहा है शहर में धीरे धीरे, आगे भी उनकी कार्रवाई रहे तो उनके बहुत बड़े धन्यवाद उनके लिए। तो अपना ध्यान केंद्रित किया जिससे आम आदमी ही नहीं माने सब जितने दुकानदार हैं राहगीर हैं सब परेशान थे, और उससे अगर जाम से मुक्ति मिलती है तो सबसे अच्छी बात है। कहीं भी ग्राहक को आने जाने में, दुकानदार को दुकानदारी करने में, या मान लीजिए कि यहाँ वहाँ जो अव्यवस्थित ढंग से जो गाड़ियाँ लगती थी वो अगर सुव्यवस्थित ढंग से लगे तो उससे शहर का भी सर्वांगीण विकास भी होगा और साथ साथ सुंदर शहर भी दिखेगा और महिलाओं को भी कोई परेशानी नहीं होगी आने जाने में। और जाम रहने से महिलाओं को भी है सो आने जाने में परेशानी होती थी, बच्चे या बच्चियां जो पढ़ने लिखने वाली है वो भी है सो रोड से आने जाने में आनाकानी करती थी, उन लोग भी है सो बेहिचक गाड़ियां चलाएंगी अपना और आराम से है सो खरीदारी, स्वयं भी गार्जियन भी है सो पहले महिलाओं को नहीं निकलने दे रहे थे, इससे क्या होगा कि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के स्वयं खरीदारी करेंगे। मतलब दुकानदारों को भी लाभ हो रहा है? दुकानदारों को भी लाभ मिलेगा बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से, तो सारे व्यक्ति को लाभ मिलेगा ना। क्या बोलते हैं एसपी साहब इस बात पर? हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि शहर में आए और सबसे पहले उन्होंने है सो इसी पर ध्यान केंद्रित किया, जिस समस्या से शहर है सो पिछले 10-15 वर्षों से जूझ रहा था। शहर में है सो सड़क तो बढ़ी नहीं, गाड़ियां है सो बढ़ गई, लोग बढ़ गए और जहां तहां गाड़ियों को लगाए जाने से है सो जाम की स्थिति प्रायः प्रतिदिन हो जा रही थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट महिलाओं और बुजुर्गों को हो रहा था। जो महिलाएं और बुजुर्ग है सो अब स्वच्छंद रूप से है सो मार्केट में आने जाने में कोई, अब सरकार से एक ही है माने कि नगर पालिका को कह के जो लावारिस पशु है उसको बंधवाने का कृपा अगर करेंगे तो ये बड़ी बहुत बड़ी कृपा होगी। सो हम आदरणीय एसपी साहब को यही बोलेंगे कि सर कम से कम है सो जो लावारिस पशु जो घूम रहे हैं उसका भी थोड़ा सा निदान कराएं। और ठेला मतलब आता है जाता है, दो मिनट में आया चला जाए, लेकिन दिन भर लगा कर रख देगा, मना कीजिएगा, हल्ला भी करता है, लेकिन एसपी साहब के आने से अभी तो बहुत सन्नाटा हो गया, अब तो नहीं ठेला दिख रहा है। कम से कम हमेशा रह जाए तो हम लोग बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी हमेशा रहा था मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग को, अभी हमेशा ही कायम रह जाए तो फिर तो हम लोग जाम तो लगना ही लगना नहीं है, एकदम नहीं लगेगा। हम लोग भी गाड़ी ठीक से लगवाएंगे, कस्टमर का भी आएगा तो हम लोग उस सामान रोड पे नहीं निकालेंगे और रोड निकालते भी नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा अभी हमेशा ऐसा रहता।
एसपी साहब के इस कार्य पर का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने शुरुआत पहला बार कोई ऐसा एसपी आए हैं जो हमारे शहर के लिए इतना अच्छा सोचे ट्रैफिक के बारे में। अभी तक तो सब ऑफिस में बैठते थे या फिर और कोई क्राइम जो भी देखना था, कम से कम आते आते पहला दिन बाजार घूमे हूँ, देखे सिचुएशन क्या है।